पहुंच गए हैं नैनीताल, एंट्री हो गई है, व्यू बहुत मस्त है, मौसम भी बहुत मस्त है। अब पहुंच रहे हैं होटल और ये देखिए कौन से कितना बढ़िया व्यू है। अरे लंगूर है पीछे, पता नहीं लेक दिख रही है, दिख रही लेक दिख रही है, कितनी बोटिंग हो रही है, सब बोटिंग हो रही है। ये रहा रूम, एक बेड ये लगा हुआ है, देखिए रूम तो एकदम बढ़िया। और एक ये रहा रूम, और ये वॉशरूम, सब ये रूम है। रूम तो अच्छा है, मस्त है, फैमिली रूम है। अरे इस टाइम मिल गया, यही बहुत है। तो बस अब रेडी हो गए और निकल पड़े हैं नीचे, नीचे मतलब मॉल रोड की तरफ, और भैया जा रहे हैं हमें छोड़ने के लिए। तो हम जिस होटल में रुके हैं उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। शटल की फैसिलिटी भी यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि मॉल रोड से थोड़ा सा ऊपर है, पर डेली शटल मिलती है जो आपको आपकी फैमिली आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लेगी और ड्रॉप भी कर देगी। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और भैया ने ये बताया कि आपके होटल के अरेंजमेंट है ना, जो आपने बताया था अभी स्नो व्यू और वो सब टैक्सी वगैरह प्रोवाइड, वो सब कुछ टैक्सी वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप आते हैं तो अभी रुक सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन सारा कुछ डाल दूंगा डिटेल्स। तो अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड और देखते हैं वहाँ क्या है, फिर हमारे वहाँ आ रहे हैं एक फ्रेंड मिलने, तो डिनर आज हमारा उन्हीं के साथ होगा। अभी हमने डिसाइड किया है कि हम बोट से जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए, तो हम कर रहे हैं बोट और जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। बता रहे हो कि मंदिर तक लेके जाओगे? हाँ, उसे दो टिकट पड़ेगा उसमें। यहाँ से जाके नैनो ये मंदिर जाएंगे, प्रसाद देवी मंदिर किनारे घुमाते हैं, सनी मंदिर। तो हमें क्या, बस यहाँ से लेके छोड़ दोगे? हाँ, यहाँ से घुमाते वहाँ ड्रॉप करते हैं, तिब्बती मार्ग छोड़ दो। हाँ जी, तिब्बती मार्ग ऐसे लेके जाओगे? हाँ जी, ऐसे। हाँ, पूरा ले घूमते हुए जाना था, तीन टिकट पड़ेगा, पूरा ले घुमाते। नहीं नहीं नहीं, टाइम बहुत कम है, तो हम यहीं पर जाएंगे और वहाँ आप हमें छोड़ दो। वही डिसाइड किया कि हम यहाँ से जाएंगे मंदिर तक बोट से, क्योंकि हाँ काफी काफी बड़ा डिस्टेंस था। और डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, डालो, 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 डालो। बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। पीछे का कैसे कोहरा आ रहा है ना, पीछे यही तो मौसम हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले पूरी झील वो हो गई थी, ढक गई थी कोहरे से, और अब ये मौसम, ये नैनीताल में मौसम का ही मजा देखो, पूरा पूरा पीछे से बादल उठ रहा है ऊपर तक। बस पार्थ को बस एक ही चीज है, नदी में हाथ डाल दो, तालाब में हाथ डाल दो, नाली में हाथ डाल दो। अरे हाथ रहने दो, चप्पू चला रहे, लग जाएगी चोट, फिर तुम्हारा पूरा डिजाइन इसी में निकल जाएगा कि मेरे हाथ में लग गई। नहीं तो मैं तो साइड में कर दूँगा। मैं तो आपको सोच रहा हूँ कितनी देर से चला रहे हो, क्या हालत होती होगी? अरे बाप रे बाप, हालत में छाले देख रहे हो मिलकर, हाथ में छाले दिखाना जरा, ये देखो ये। अरे यार बड़े मेहनत का काम है। तो अब पहुँच गए मंदिर और मंदिर उतर रहे हैं और मंदिर पर देखते हैं कहाँ जाना है। फिलहाल तो मंदिर पहुँच गए, मंदिर दर्शन करते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर कैसा है। तो जबरदस्त कोहरा हो रहा है, देख रहे हो, कुछ नहीं दिख रहा होगा, बस कोहरा ही कोहरा है। अब दिख रहा होगा क्या, कोहरा ही कोहरा है बस के। इतना अमेजिंग व्यू है, इतना अमेजिंग व्यू है। पहले तो बोटिंग करके मजा आ गया, दूसरी बात अभी जो कोहरा हार, तो सभी लोग चिल्लाने लगे कोहरा आ गया, कोहरा आ गया, ऐसा लगा तूफान आ गया। कुछ लोग हड़बड़ी में बोट से कूद कूद के भागने लगे। तो देखो मेरे पीछे देखो कोहरा आ रहा है, कितना कोहरा, ये पूरा कोहरा, कोहरा नहीं है, बादल है एक्चुअली।
पूरे पूरे बादल ही बादल हैं। बहुत ही अमेजिंग व्यू, बहुत ही अमेजिंग। और ये देखिए, ये रहा मंदिर। अब हम यहाँ से निकल कर जाएंगे और जाएंगे सीधे मंदिर दर्शन करने के लिए। पर अभी ये भी डिसाइड करना है कि मंदिर के बाद हमें कहाँ जाना है। दो तीन जगह हैं, देखते हैं क्या फाइनल करते हैं और जाके देखते हैं और दिखाते हैं आपको। कलिक अवतार, और पीछे सारे भगवान के अवतार हैं। मैं मंदिर तो आया हूँ पहले भी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऊपर भी मंदिर है। और आके बड़ा ही आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ऊपर आके यहाँ से फोटोग्राफी मज़ेदार हो गई। फोटो भेजते हैं यहाँ से, कुछ फोटो लेते हैं यहाँ से कुछ। ये कैप कैप ले लिए इसने अनु ने। फेंक रही है बलून भी ले लिया, कैप भी ले ली, फेंक रही है। देखते हैं खाना कैसा होगा। यहाँ जो मैं बहुत पहले आया था, जब मैंने नया नया जॉब स्टार्ट किया तब मैं आया था ऑफिस से, तब हमने यहीं खाया था पहली बार। तब से तब पहली बार मैंने मोमो टेस्ट किया था। सब लोगों ने रास्ते से बोलना शुरू कर दिया कि मोमो खाएंगे, मोमो खाएंगे, मोमो खाएंगे। तो मैंने ठीक है मोमो खाएंगे, मुझे पता नहीं लग गया होता है मोमो जो है। मोमो खाया मैंने, बाप रे तो कच्ची उगली मैदा खा रहे हैं। यहीं खाए, यहीं बहुत ही ख़राब था। सबको बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, और फिर बाद में जबान को टेस्ट रियलाइज हो गया कि मोमो का टेस्ट क्या होगा। और अब घूम रहे हैं माल रोड पे, मज़ा आ रहा है। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। शाम होने वाली है, करीब 3 बज रहा है, 3 नहीं 3:30 बज रहा है। और 4:30 बजे तक ही ज़ू खुलता है। किसी ने बताया कि इंडिया होटल के पास जाओ, वहाँ से कैब मिलेगी, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी तो होटल में पार्क कर दी जो काफ़ी ऊपर है, उसको बार बार पेंट डाउन नहीं कर सकते। बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल से पार्किंग मिली है। तो हम जाएंगे इंडिया होटल, और इंडिया होटल से लेंगे शटल, और शटल जाएंगे ज़ू। मैं अनु और पार्थ आगे चल रहे हैं, बाकी वाइफ और मम्मी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो पहले हम चल के कैब की बात कर लेते हैं फटाफट, देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। मिल जाए तो अच्छा ही यार, बहुत साल बाद आना हुआ है, तो सोच रहे हैं ज़ू घूम लेते हैं। चलो देखते हैं।